नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक। अगर आप चाहते हैं कि आपके बॉडी में कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम ना रहे, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन अच्छा रहे, फीमेल्स में कोई हार्मोनल डिसबैलेंस ना रहे, क्या करना है हमें? हमें फैट का ध्यान देना है। होता क्या है कि अगर कोई फैट लॉस करना चाहता है या फिट रहना चाहता है, वो क्या करता है, एकदम से अपनी बॉडी से फैट को कम कर देता है। फैटी कुछ नहीं खाना है, फैट बिल्कुल हटा देना है। अच्छी बात है, फैटी खाना ना खाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही फैट अपनी डाइट से हटा दोगे तब परेशानियां शुरू हो जाती हैं। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन बनने के लिए फैट का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। फीमेल्स में हार्मोनल साइकिल अच्छी तरह से फंक्शन करे, थायराइड का फंक्शन अच्छी तरह से हो, इस सब के लिए भी हमें फैट चाहिए ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना आप शुरू कर दीजिए, वहाँ हर जगह फैट है या फैटी चीज़ें खाइए, नहीं। लेकिन घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ सैचुरेटेड फैट की। लोग क्या करते हैं, सैचुरेटेड फैट बिल्कुल ही हटा देते हैं अपनी डाइट से। सैचुरेटेड फैट मत हटाइए, घी थोड़ा बहुत खाइए, दिन का एक बड़ा चम्मच मोर देन इनफ है। पिघला हुआ कह रहा हूँ, यानी पूरा आपने स्कूप ले लिया एक बड़ा जो है घी का, नहीं ऐसा नहीं, एक बड़ा चम्मच करीब 10-15 ml, ये भी काफ़ी रहेगा। क्योंकि देखिए, जो इंडियन डाइट है या जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ की जो डाइट है, इसमें आप अगर सिंपल डाइट फॉलो करेंगे, जो आपके घर में खाना बनता है, आप सिर्फ उसको भी खाएंगे, तो वहाँ से भी आपको सैचुरेटेड फैट मिलेगा। इसीलिए सिंपल जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की डाइट है उसको आप फॉलो करिए। कोई फैंसी डाइट मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, उसको आप फॉलो मत करिए। आयुर्वेद में कहा जाता है कि कफा डाइट फॉलो करिए। कफा डाइट आप नेट पर डाल सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा सारे लिस्ट खानों की कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, या फिर मैं लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंग्लिश में लिखे हुए हैं सारे फूड आइटम्स के नाम। कुछ ऐसे हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वो मत खाइए। ये ऐसी डाइट है कि कोई भी दुनिया में कहीं से भी देख सकता है और उसको फॉलो कर सकता है, लेकिन आयुर्वेदिक डाइट है, बहुत इफेक्टिव है। लेकिन इस बात को अच्छी तरह से समझिए कि वेट लॉस अगर आप कर रहे हैं तब भी आपको थोड़ा बहुत फैट खाना ही खाना है। मेरे पास बहुत सारी फीमेल्स एज एन पेशेंट आते हैं जिनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेट लॉस के चक्कर में एकदम अपनी बॉडी में फैट कम कर दिया, फैट इतना हटा दिया अपनी डाइट से कि मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो गई। ये नहीं होना चाहिए। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन एकदम डाउन आ गया, अच्छा नहीं लग रहा है, डिप्रेसिव फीलिंग आ रही है, मसल ग्रोथ नहीं हो रही है, ये सब होने लगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ फैट हटा दिया, बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। इसीलिए सैचुरेटेड फैट थोड़ा बहुत, घी में 50% सैचुरेटेड फैट होता है, तो आप घी खा सकते हैं। बटर अगर अच्छी क्वालिटी का है, मक्खन, वो आप खा सकते हैं, वो भी सैचुरेटेड फैट है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, और ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।